सहारनपुर में चला एक बार फिर विद्युत विभाग का चेकिंग अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री के सख्त आदेश, लैंड लॉस की समस्या अगर सही नहीं हुई तो नपेंगे अधिकारी। दे दी आ गई। और जैसा कि आप मेरे साथ देख रहे हैं, मैं सहारनपुर में आपको लाया हूँ। विद्युत विभाग का बड़ा हमला आप देख रहे हैं। मेरे साथ विद्युत विभाग का चेकिंग अभियान चल रहा है। फोर्स के साथ चेकिंग को कराया जा रहा है। मौके पे उपखंड अधिकारी मौजूद हैं और सहारनपुर एक्शन फर्स्ट मौजूद थे और पूरा समस्त स्टाफ मौजूद है बिजली विभाग का। और इस बीच हमारे खड़े हैं सहारनपुर से दर्पण एसडीओ साहब। एसडीओ साहब, इतना बड़ा हमला लेकर के क्या वजह, क्या कारण, क्या रही है? हमारे जो दर्पण सब डिवीजन है उसके दो बिजली घर हैं। दोनों बिजली घरों पर अधिकांश मीटर हमारे 50% से ऊपर के लाइन लॉस पे चल रहे हैं। इसके लिए हमारे मुख्य अभियंता महोदय ने टीम गठित की है पीएससी के साथ में, जिसका ये अभियान चल रहा है। इसमें मीटरों में संट लगाना और डायरेक्ट चोरी और मीटर स्लो करने वाले मामले पकड़े जा रहे हैं। ये अभियान जो है लगातार चल रहा है। जब तक हमारे फीडर ये 30% के लॉस पे नहीं आते तब तक ये अभियान जारी है। एसडीओ साहब, क्या पाया गया अब तक की चेकिंग में? अब तक की चेकिंग में कुछ डायरेक्ट चोरी पाई गई है और कुछ मीटरों के मामले भी हैं। वो सभी मीटर के मामले जो है परीक्षणशाला में जाके सॉल्व होंगे, बाकी उनके विधिक कार्रवाई की जाए। आपने मीटर लैब साथ ले रखे हैं? मीटर लैब इस समय हमारे साथ नहीं है, हमने कोई मीटर उतारा भी नहीं है। इसलिए तो मीटर वाले जब होंगे तो उसके साथ मीटरों की भी कार्रवाई। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? मीटरों में जो संट मिलेंगे उन पर कार्रवाई होगी, उन पर जो है उनका असेसमेंट बनेगा और जो भी अनियमितता पाई जाएंगी उन पर सभी पर कार्रवाई होगी। मध्यम वर्ग का कितना ध्यान रखा गया? मध्यम वर्ग में जो गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको सलाह दी जा रही है कि वो अपने कनेक्शन ले लें और जो है जो इस तरह के लोग हैं जो देने लायक नहीं हैं, हम उनसे कोई उनके चेकिंग नहीं कर रहे हैं फिलहाल। उन्हें तो अभी छोड़ा गया कि वो नए कनेक्शन ले लें। दर्पण एसडीओ आप देख रहे थे मेरे साथ, दर्पण एसडीओ और बता रहे मध्यम वर्ग को वार्निंग देकर छोड़ा जा रहा है। और वे सब सहारनपुर में आपको मैं दिखा रहा हूँ, मोहल्ला आली का ये दृश्य है लोहारी वाली मस्जिद के पास। और ये बड़ी तादाद में चेकिंग अभियान किया जा रहा है। हालांकि ये पूरे उत्तर प्रदेश में चेकिंग अभियान किया जा रहा है। पल पल की खबर के लिए देखते रहे यूट्यूब चैनल मन में झांक, सिकंदर राणा के साथ। मेंबर साहब, चेकिंग अभियान किया गया सेक्टर 68 में, आप ही के सेक्टर को छावनी बनाया गया, क्या कहना चाहते हो चेकिंग के संबंध में? देखिए, चेकिंग के संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ, रूटीन चेकिंग थी, यहाँ पर कुछ नहीं मिला है। लोड की समस्या थी, दो चार घरों की और दो चार कारखानों की लोड की समस्या थी, वो बढ़वा दिया जाएगा। एसडीओ साहब से बात हो गई, एक्शन साहब से बात हो गई और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और सही तरीके से जो है चेकिंग हुई है। आपका कितना सहयोग रहा? हमारा पूरा सहयोग रहा, हमारे लोगों ने सहयोग किया है। किसी का ऐसा कोई गड़बड़ नहीं मिला, ना चोरी मिली है, सब सही रहा।